स्वयंवर जो अभी होने वाला है शादी के लिए पारस और शहनाज का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुड फॉर हर, गुड लक टू देम. ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग. एक शो ख़त्म होते ही एक दिन भी नहीं पड़ा, नेक्स्ट डे शो हो रहा है उनका. एंड उनका उनका कॉल है, मतलब वो ज़्यादा जानती हैं अच्छे से. एंड 4 महीने उन्होंने भी शो को बहुत दिया है, बहुत एंटरटेन किया है. तो अच्छी बात है कि काम रेगुलर करती करते रहना चाहिए. सो इफ शी इज़ डूइंग वर्क, इट्स गुड. हिमांशी, इसके अलावा लास्ट इवनिंग की बात करें, आप लोग सब साथ में थे, रश्मि, आसिम, आप कितना एंजॉय किया आपने और थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा था उस समय? टू मच, बहुत. हमने बिग बॉस की बात बिल्कुल नहीं की, बिकॉज हम 5 महीने से बिग बॉस ये करेक्टर वैसे. तो हम सब जैसे घर के बाहर निकले तो हम सब ऐसे हो गए जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था. तो विच इज़ वेरी गुड. गेम को गेम में छोड़ के आए तो हम सब आपस में फ़न कर रहे थे. एंड हमने रश्मि, आसिम और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत.